नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज देखिए टुकटुक का फरमाइश है कि मम्मी आज धुसका बनाओ। वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है धुसका। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि धुसका की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए धुसका बनाना शुरू करते हैं। अरवा चावल ली हूँ 1 kg, इसमें 200 ग्राम चना दाल है, दोनों को मिला ली हूँ एक में। अब इसको बढ़िया से धो लेंगे। देखिए चावल को मैंने धो लिया है अच्छा से। अब इसको 4 घंटे के लिए फुलाना होगा, इसमें पानी दे के 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। रुको जरा, सबर करो। देखिए जो दाल और चावल फूलने के लिए दिए थे, और दाल चावल फूल गया है। अब इसको हम लोग पीसते हैं। अब इधर चूल्हा तैयार कर देते हैं। चावल को देखिए मिक्सी के जार में डालते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और पीसना है। इसका पतला घोल नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा बनाना है, वो दिखाएंगे पीसने के बाद। देखिए इस तरह से इसको पीसना है, पूरा महीन करके, पूरा चिकना पेस्ट बनाना है। इसी तरह से सब चावल और दाल को पीस लेते हैं। देखिए चावल हम लोग का पिसा गया है पूरा। अब इसमें जो जो मसाला पड़ेगा वो मसाला आप पीसेंगे। इसमें देखिए मसाला में मिर्चा डालेंगे, अदरक है, लहसुन है और जीरा गोलकी, सबको पीस लेंगे। चावल में मिलाना है इसको पीस के। मसाला पीस लिए, अब इसको इसमें मिला देते हैं मसाला सब। और इसमें हल्दी मिलाएंगे और नमक, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इसमें हम लोग मीठा सोडा डालेंगे 2 चुटकी जैसा। और इसको आधे घंटे के लिए, आधा घंटा इसको छोड़ देंगे, आधा घंटा के बाद फिर इसको बनाएंगे। अब इसको हम लोग ढक के छोड़ देते हैं और चलते हैं चूल्हा की तैयारी करते हैं जलाने के लिए। देखिए चूल्हा हमारा जल गया है। अब चूल्हा पे अब कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें तेल डालते हैं और चावल के आटे, चावल का जो पेस्ट पीस के रखे थे वो भी आधा घंटा हो गया उसका भी। चावल जो पीसे थे उसका भी आधा घंटा हो गया है। और देखिए उधर चूल्हा भी जल गया, चूल्हा पे कढ़ाई भी गर्म हो गया। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डालते हैं पहले। दोस्तों ये गांव का जो खाना बनाने का तरीका था वो लाजवाब तरीका था। इसमें दोनों पति पत्नी इंगेज हो जाता था, इससे प्रेम बढ़ता था। अभी देख रहे हैं वो तेल गरम कर रहे हैं और हम चूल्हा फूंक रहे हैं। आंख में देख रहे हैं लाल हो गया पूरा। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। देखिए हमारा तेल भी गरम हो चुका है, तो इसमें और कुछ करना है? नहीं।
डायरेक्ट अब पकाना है ना? एक बार हाथ दुबा के देख लो गरम हुआ है कि नहीं। मराना है तुमको। हाय। ये छोड़ा दीजिए। कपड़ा दीजिए वहाँ से। तेल देखिए कढ़ाई में गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे ये जो घोल बनाए थे ढोसका का उसको। तो देखिए इस तरह से डब्बू में लेना है थोड़ा 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 सा, और इसमें देखिए एक ही जगह गिराना है बीच में, इसको बीच में एक जगह डालिएगा और पकने दीजिएगा, वो खुद ऊपर खिल जाएगा। अरे अच्छा फूला, अच्छा फूला। देखिए कैसे आप फूल के ऊपर आ गया है, डाले ढोसका सो तेल में तैर रहा है। पलट देंगे इस तरफ से, देखिए वाह बहुत अच्छा। अब इसको निकाल लेंगे, पक गया है देखिए। तो बढ़िया से मिलाते हैं बढ़िया, एक बार हम भी देखते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला है ढोसका बनाने का। जलेबी बना दीजिए, टमाटर लाते हैं पकाते हैं। कहाँ है टमाटर? इतना मिर्चा है और टमाटर भी पकाना है एकदम। दूसरा चटनी, टमाटर की चटनी और दूसरा सब पका लेंगे। दही पकाना है, इतने पकाते हैं का? जितना में हो जाएगा उतना पकाइए। मिर्चे का काम कर लेते हैं, मिर्चा भी रखेंगे ज़्यादा नहीं, तीन चार पाँच। बस आग तुरंत हलाहा गया है, अब ऐसे थोड़ा सा इसको इसी करते हैं। देखो थोड़ा सा हमको भी ज़्यादा दो, दूसरा तो बनिए गया है। टमाटर भी लागे लागल पक जाएगा, थोड़ा सा आग हमको इधर कर देगी ना, निकाल लीजिए बस। थोड़ा सा बड़ा वाला लकड़ियाँ लीजिए दोस्तों। उधर दूसरा पक रहा है, तब तक से हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं चखना के। टमाटर हम लोग डाल दिए हैं, टमाटर उल्टा डाली ऐसे। ये टमाटर अभी इधर का होता है, मुड़िया तरफ से डालिएगा तो पक जाएगा बढ़िया। गजब है यार, लेडीज कहो नहीं पा रहीगा दोस्तों, सब में दरिया ही। देखिए मिर्चा भी हम दे दिए हैं तो पकने के लिए। ये अब दोनों पकेगा एक साथ, धुआं करके छोड़ दिए चूल्हा। हां लाओ मशीन वाला, ये पंखा है दोस्तों। अच्छा होता है जलाइए चूल्हा पूरा बढ़िया से। बस हो गया, जितना दुस्का नहीं कि दोस्तों उतना मुंह दुखाने लगेगा, मुंह पूरा खुल गया है जैसे इधर। इसका नाम ये फूकते गाल हो जाएगा। ऐसे तो 12 बज जाएगा मनाते मनाते। पकने में देरी नहीं लगता है ना। अब टमाटर भी मेरा पकने वाला है, थोड़ा थोड़ा बच गया है, लगता है कुछ कुछ पका। पानी ला दो बेटा, वो पानी से धो लेंगे। ढोसका कितना अच्छा फूला है और लाल होके पक भी गया है, और देखिए कैसा पक रहा है। इतना छोटा छोटा बनाना है। हाँ चटनियाँ हम तैयार करते हैं पहले। चटनी तैयार होगा तो टेस्ट करके इन लोग बताते हैं कैसा बना है सो। बहुत अच्छा इधर चटनी भी बन गया है, ये टमाटर पक गया है। हाथ से मत निकालिए, देखो ना। अब इसको हम नहाते हैं दोस्तों, इसको नहाना होगा ना। गंदा लग गया, गंदा लग गया।
देखिए हम चटनी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं दोस्तों। ये पूरा तरह से पक गया था, मिर्चा भी और टमाटर भी। हम इसको पहले कूट लेते हैं बढ़िया से। चलो मुँह में पानी आ गया। टेस्टी भी बनाएंगे कि रुको ना, जाओ उधर से मरती ले तो आप थोड़ा सा नमक। नमक तो नहीं है। नमक लाओ ना। नहीं है। बड़ी आलसी है मनुष्य है यार। मसाला लेता चाट मसाला जो। चाट मसाला। हाँ, चाट मसाला और नमक। नमक तो नहीं है। देन, बोलिए अभी कितना देंगे? पहले एक कितना है पापा? अभी रुको ना, बढ़िया चलो। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये टमाटर बढ़िया से कुटा चुका है, ये पूरा चटनी के लायक बन गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक खाने भर। भाई हम लोग नया आदमी है, थोड़ा कम ही डालेंगे, बस हो जाएगा। थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा पानी भी देंगे, पतला करेंगे इसको। अभी डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा चटपटा लगेगा। चटपटा रहेगा। लाओ टुकटुक धनिया लाओ। लीजिए, ये हमारा आ गया है धनिया दोस्तों। लाओ टुकटुक सरसों तेल लाओ थोड़ा सा। हाँ ला रही। एक ठोंगरा दो, आग के ठोंगरा दो। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा धुंगराना पड़ता है, स्वाद थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें खाने में। ये हम लोग के दादी समय के है कहानी। दादी हम लोग ऐसे धुंगराती थी। देखिए इसको हम लोग आग दिए, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे और इसको ढाँक देंगे पूरा। इसका तेल टूट जाएगा। अब इसको पूरा तरह अच्छा तरह से हम लोग ढाँक दिए हैं। ये चटनी सबसे बढ़िया लगता है खाने में, धुंगरा दिए इसको बढ़िया से। ये हमारा चटनी रेडी हो गया है और उधर दूसरा भी रेडी हो गया। तो दोस्तों हमारा उसका ऐसे थोड़ा सा बचल है पकते, तब तक से बाबू लोग के खाने के लिए दे देते हैं, लोग खाएगा। रात भी हो रहा है दोस्तों। लो रे बच्चा आ जाओ। तो दोस्तों अनुराधा फैमिली ब्लॉग में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। बाबू लोग टेस्ट करके बताओ थोड़ा सा कैसा है, टेस्ट करके बताओ। इधर देख के, इधर देखो ना, चटनी ठीक बना ना। अभी टेस्ट कहाँ है? उसका मम्मी बनाई है चटनी। हम चटनी वाला ज्यादा बढ़िया। कैसा बना दी थी उसका? सबसे टेस्टी। अदर चटनी चटनी बहुत टेस्टी, दोनों चीज बहुत अच्छा बना, बहुत मजा आ गया। चटनी बढ़िया लगा, चटनी ज्यादा बढ़िया थी उसका, दोनों चीज। अरे यार देख रहे दोस्तों, नंबर मिलेगा 100 out of 100। मिलते हैं दोस्तों फिर नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।